हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है इन्वॉल्वमेंट, गिव योर 100%। हाँ दोस्तों, आप चाहे कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, 100% देना जरूरी है। 100% इन्वॉल्वमेंट रहने से काम में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ किया गया कोई भी काम हमेशा सक्सेस दिलाता है। यस, तो हम इस वीडियो के साथ छोटी सी कहानी शेयर करेंगे, राइट? तो देखते रहिए इस मॉरल वाला स्टोरी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना सो देट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट? लेट्स स्टार्ट। रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर था, और उसका इंटीरियर कारीगर भी बोल सकते हैं, डिज़ाइनर के साथ साथ कारीगर, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन इतना अच्छा होता था कि जब भी उसका किया गया काम काफ़ी अच्छे भाव में जाते थे। सो जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का जो बॉस था वो बहुत खुश था, क्योंकि रमेश से किया गया कोई भी इंटीरियर काम उसको दुगना प्राइस दिलाता था, राइट? कोई भी फ्लैट हो, कोई भी बंगलो हो, अगर रमेश ने किया हो तो कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड रहते थे और उसको अगला ऑर्डर आराम से मिल जाता था। तो रमेश भी खुश था, रमेश को भी बहुत अच्छा रखते थे, और सेठ भी खुश। ऐसे ही काम करते करते 35 साल गुजर गए। अब रमेश को ऐसा लगा कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, क्योंकि अब उससे काम हो नहीं रहा था। तो रमेश ने जाके सेठ को बोला कि सर मुझे रिटायर होना है, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अब वो उनके लिए वो शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि वो चाहते थे रमेश और कुछ काम करे, और थोड़ा काम करे, और उनके थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म करें। लेकिन रमेश मानने से इनकार कर दिया। वो एक ही चीज़ बोलता रहा कि मुझे रिज़ाइन करना है और मुझे अभी आराम करना है। तो सेठ ने कहा ओके ठीक है, एक काम करो, आपको खाली एक लास्ट प्रोजेक्ट करो, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। रमेश ने बोला नहीं, मुझे अब कोई काम नहीं करना है, मुझे अब रिलीव कर दीजिए। फिर सेठ माने नहीं। सेठ ने बोला मैंने आज तक कभी आपको कमांड नहीं किया है, आज तक मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, इसलिए मैं ये लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट खाली करके दे दो, फिर इसके बाद मैं आपको कोई काम नहीं दूंगा और आपको रिलीव कर देंगे। रमेश मान गया। अब रमेश का जिस काम में जो इन्वॉल्वमेंट था, पहले वो एक एक प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व होकर करता था, इसी हर चीज़ में बारीकी से देखता था, जिस चीज़ में जैसी क्वालिटी लाना है वैसी क्वालिटी लेकर आता था, और दैट वाज द रीज़न उसका हर इंटीरियर डिज़ाइन जो है सक्सेसफुल होते थे, राइट? लोगों को बहुत पसंद आता था। अब ये जो आखिरी प्रोजेक्ट ऐसा था, उसको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने मेंटली काम छोड़ दिया था, तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा था। तो उसको भी ऐसा लगा बहुत हो गया यार, ठीक है चलो। अब सेठ ने बोला तो एक काम कर देते हैं, और उस विदाउट इंटरेस्ट वो काम कर रहा था, जैसे तैसे कोई भी मटेरियल एडजस्ट करके। उसको ये पता था कि वो जो भी काम देगा लोग मान जाएंगे, सेठ भी कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो ऐसे ही कोई मटेरियल रख के काम कर रहा था, राइट? कहीं भी कोई फिनिशिंग नहीं था, उसको खुद को पता है कि उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर भी उसने काम किया। और रमेश ने इसी तरह काम फिनिश किया, वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं था, फिर भी फिनिश करके जाके चाबी जो है उस फ्लैट की चाबी उसने जाके सेठ को दे दी। सेठ ने उस चाबी को रख लिया। रमेश का आज तक 35 साल में किया गया कोई भी काम सेठ ने फिर से देखा नहीं है। ये उसका उस पर विश्वास, इतना विश्वास रखा था, क्योंकि उसका हर काम इतना परफेक्ट के साथ होता था, इसलिए कभी सेठ ने देखा नहीं। सेठ ने उस चाबी लेके रख लिया। दूसरे दिन रमेश के लिए फेयरवेल रखा गया, सब स्टाफ को बुलाया गया, और काफ़ी अच्छा जश्न हुआ, पार्टी जैसी रखी, केक काटा गया, और सब लोग ने रमेश को छोटे मोटे गिफ्ट दिए। तब सेठ जी ने अनाउंस किया कि मैं आज अनाउंस करता हूँ, रमेश ने कई लोगों को अपने काम से खुश किया है, कई बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बड़ा वैल्यू दिया अपने काम से, रमेश से इस कंपनी को काफ़ी फायदे हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को अभी वैल्यू बढ़ाया है रमेश के काम की वजह से। तो इस कदर वैल्यू और इस कदर प्रॉफिट करने वाले एम्प्लॉय को कंपनी भी कुछ करना चाहती है, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना रमेश का खुद के जो काम का जो वैल्यू है उनको खुद को गिफ्ट दिया जाए, और ऐसा कह के जो लास्ट प्रोजेक्ट रमेश ने किया था वो उसकी चाबी
सबके सामने रमेश के हाथ में दी। रमेश बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि रमेश को पता है कि वो जो लास्ट प्रोजेक्ट उसने किया था वो सेल्फ सेटिस्फाइड वाला नहीं था, बिल्कुल हाफ फिनिश था, कोई भी काम में कोई भी परफेक्शन नहीं था। और रमेश को बेहद बेहद दुख हुआ, क्योंकि अफसोस हुआ, क्योंकि उसने वो काम बरोबर नहीं किया था। अब वो सोच रहा है कि मुझे शायद पता होता कि ये मुझे मिलने वाला है तो मैं और अच्छा करता इसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने जैसी सोच रखी वही चीज़ आपको वापस आई। आपने सोचा ये कि आखिरी काम किसको पता क्या होने वाला है, किसको पता कैसा है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ ना, ऐसे करके आपने अधूरा फिनिशिंग वाला काम किया और वही अधूरा फिनिशिंग वाला काम आपको वापस आया है। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। Give your 100% to each and every work. हर वर्क इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो आपका हो या दूसरों का, राइट? तो प्लीज़ इन्वॉल्वमेंट, गिव योर 100% इज मस्ट फॉर योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है 100% एफर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। सो दोस्तों, कैसी लगी रमेश की स्टोरी? आप भी इसी तरह सक्सेसफुल बने। स्टूडेंट्स, आप भी अच्छे मार्क्स लाएं। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, इन्वॉल्वमेंट। गिव योर 100%, पूरा का पूरा एफर्ट डालिए, कोई भी कमी मत छोड़िए, और फिर रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। रिजल्ट अपने आप आएगा। व्हेन यू गिव 100%, रिजल्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो देट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, बाय टिल नेक्स्ट संडे। बाय, हैव अ नाइस डे।